नमस्कार दोस्तों, स्वागत है गुरु ज्ञान चैनल में, जहाँ मिलेगी वीडियो सबसे पहले। तो अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, आगे वाले बेल आइकन को प्रेस कर लें, वो भी ऑल वाला, ताकि कोई वीडियो सबसे पहले आपके पास। तो मैं आज आपको ऐसे वीडियो की बात करूँगा जैसा कि आप थंबनेल में पढ़ चुके हों। तो वीडियो में चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि बीएससी कट ऑफ क्या रहेगी। तो मैं आपको जनरल से लेकर एसटी तक की सारी कट ऑफ दिखाऊंगा। तो अभी तक कट ऑफ किसी ने सही नहीं बताई होगी, मैं रियली एकदम 100% श्योरिटी के साथ रियल बताऊंगा। और अब आपको यह भी बताऊंगी काउंसलिंग कब तक चलेगी और काउंसलिंग में हिस्सा अब लें या ना लें। और तीसरा क्वेश्चन है कितने नंबर पर काउंस मिल जाएगी कॉलेज। और तीसरा चौथा क्वेश्चन है 50,000 से ज़्यादा बच्चों के लिए। जी हाँ, आप भी इस ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं जिसमें BSTC 2019 ग्रुप में, जिसमें 50,000 से ज़्यादा बच्चे जुड़े हुए फेसबुक पर। ये ग्रुप है, आप भी ज्वाइन हो सकते हो। तो अभी मत ज्वाइन होना क्योंकि अभी मैं खुद वीडियो बना रहा हूँ, तो आपको कैसे ज्वाइन करो, क्योंकि एडमिन हमेशा रिक्वेस्ट देता है कि कौन ज्वाइन हो रहा है। और इस वीडियो में पूरा देखें। तो सबसे पहला क्वेश्चन है BST कट ऑफ क्या रहेगी। तो चलिए बात करते हैं BSTC 2019 जनरल की कट ऑफ। जिस बंदे के 370 से ऊपर आए ना, वो काउंसलिंग करा ले यार, 100% सिलेक्शन होगा, मैं लिख के देता हूँ। क्योंकि तीन जो फर्स्ट है ना, फर्स्ट पोजीशन, उसके भी बहुत कम नंबर आए। आप भी देख सकते हो, प्रवीण कुमार जो जालौर ज़िले से, उनके भी बहुत कम नंबर आए यार। तो आपका तो सिलेक्शन 100% है। और अब बात बात करते हैं ओबीसी की। ओबीसी की बात करें तो जिस बंदे के 350 से ऊपर है ना, जैसे कि जनरल में देखा 370 से ऊपर, तो जिस बीएसटीसी में, जिस ओबीसी में, जिसकी जिसके भी 350 से ऊपर है, वो काउंसलिंग करा लो, उनका सिलेक्शन 100% होगा। और अब बात करते हैं एससी की, सॉरी एससी नहीं, एमबीसी की। जिस जो भी एमबीसी का जिसके पास सर्टिफिकेट है, जिनके 345 से ऊपर है ना, वो 100% काउंसलिंग करवाना, उनका सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि पिछली बार भी एमबीसी कट, अब की बार जो एमबीसी का सर्टिफिकेट है, वो बहुत सारे बंदों के पास मिला है। और स्पेशली बीएसटी और पीटीटी, उन्होंने पहले से नोटिफिकेशन जारी कर दिया है कि एमबीसी वालों को मिलेगी अब की बार 100%, उनको थोड़ा आरक्षण मिलेगा। तो अब बात करते हैं एससी में जिस बंदे के, जैसे कि इसमें है 345 से ऊपर, एससी में जिस बंदे के 340 से ऊपर है, वो काउंसलिंग करा ले, उनका सिलेक्शन फर्स्ट लिस्ट में 100% होगा। फर्स्ट लिस्ट में नहीं तो सेकंड लिस्ट में 100% हो जाएगा। तो अभी तक आपने कोई ऐसे चैनल के बारे में सुना होगा कि कोई कट ऑफ नहीं बता रहा, कोई कट ऑफ बता रहा है तो सही नहीं बता रहा है। तो मैं इसमें आपको सही कट ऑफ दिखाऊंगा। अब बात करते हैं एसटी की। तो एसटी की कट ऑफ है वो रहेगी 350 से ऊपर या 330 से, जिस बंदे के भी ऊपर है ना, वो काउंसलिंग करा लें, क्योंकि उनका सिलेक्शन 100% होगा और वो काउंसलिंग में हिस्सा ले सकते हैं। फिर आपके मन में दूसरा क्वेश्चन था कि अब काउंसलिंग कब तक चलेगी। तो अब काउंसलिंग कब तक चलेगी वो भी आपको दिखा दूँ। तो मैं ले आया हूँ आपको बीएसटीसी की ऑफिशियल साइट पे, देख लेते हैं आप। तो आपको बता दूँ कि अब कॉलेज रजिस्ट्रेशन की जो काउंसलिंग, तो मैं आपको ले आया हूँ बीएसटीसी की ऑफिशियल पे। जैसे कि रजिस्ट्रेशन की तारीख भी बढ़ा दी है। रजिस्ट्रेशन की तारीख क्या है, 19 जुलाई तक है। 19 जुलाई यानी कि अभी तक 2 दिन बाकी है। और देखो, रजिस्ट्रेशन की काउंसलिंग डेट बढ़ा दी, तो एब्सोल्युटली जो कॉलेज चॉइस डेट है उसका भी 19 कर दिया है। फिर अनाउंसमेंट 21 तारीख को होगा, जैसा कि पीटीटी में अनाउंसमेंट जो कॉलेज का होगा वो 22 जुलाई का होगा, और इधर हुआ है बीएसटीसी में 21 जुलाई। और अब काउंसलिंग थोड़ी और बढ़ा दी गई, तो जिस बंदों ने काउंसलिंग नहीं करवाई वो भी करवा लें। जैसा कि आप तीसरे नंबर पर पढ़ पा रहे हैं, अब काउंसलिंग में हिस्सा ना लें, ले या ना ले, तो मैं आपको बता दूं कि जिस बंदे के 250 से ऊपर है ना एसटी में, या किसी में भी जिसके 200 270 से भी ऊपर, 260 से भी ऊपर है ना, वो काउंसलिंग करवा लें। क्योंकि आपका फर्स्ट लिस्ट में नहीं तो सेकंड लिस्ट में, सेकंड लिस्ट में तो नहीं तो थर्ड लिस्ट में 100% नाम आएगा। क्योंकि आपकी बार कट ऑफ बहुत कम जाएगी थर्ड लिस्ट की और सेकंड लिस्ट की, क्योंकि पिछली बार बहुत बढ़िया रिजल्ट गया था, लेकिन अब की बार पेपर हार्ड होने के कारण बहुत घटिया रिजल्ट तो नहीं कह सकते, बहुत खराब रिजल्ट बना है। तो आप काउंसलिंग में हिस्सा ले लें। और कितने नंबर तक मिल जाएगी कॉलेज, मैं आपको बता दूं कि जिस बंदे के 250 या 260 से भी ऊपर है ना, उनको कॉलेज मिल जाएगी, अलॉटमेंट आराम से होगी। जो भी काउंसलिंग में हिस्सा लेगा, फर्स्ट लिस्ट में नहीं तो सेकेंड लिस्ट में, सेकेंड लिस्ट में नहीं तो थर्ड लिस्ट में, आपका 100% नंबर आ जाएगा। और मैं आपसे बता दूं, एक बार विनती आपसे कि एक बार ये देख के जाएं। तो एक बार विनती है कि हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में एक बार जरूर जाइए, जहाँ आपको मिलेगी पीटीटी में, जैसे घर बैठे चॉइस कॉलेज कर सकते हैं पीटीटी कॉलेज। तो बीएसटीसी से रिलेटेड मैंने जितने वीडियो डाले सारे सही डाले थे, तो
तो अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, आगे वाले बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि कोई वीडियो सबसे पहले आपके पास। तो आप भी इस BSTC 2019 के ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते तो अभी मैंने वीडियो ख़त्म कर दी, आप तो ज्वाइन कर सकते हैं और अपने नंबर भेजकर सर्वे में भाग ले सकते हैं। थैंक यू।